शहीद कैप्टन के गौड़ दा नेकी फाउंडेशन वालों जन्मदिन मनाया गया। बडलाडा विच उन्हां दे बुत्तां ते फुल्लां दे हार पाए गए। साबका फौजियां वालों भी उन्हां नूं सरदांजलियां भेट कीतियां गईयां। प्रिंसीपल बोधराम MLA ने भी शरदा दे फुल भेट कीते। बडलाडा तो अज दी वाज लई अमन मेहता दी रिपोर्ट। जीओ जी वालों जिहड़े अपने हल्के दे साबका फौजी ने उन्हां वालों श्रद्धांजलि भेट कीती गई कैप्टन के गौड़ नूं, किस तरह देख रहे हो? अज 4 दिसंबर शहीद कैप्टन के गौड़ जी का शहीदी दिन है, जो हर साल नेकी फाउंडेशन इलाके के साबका फौजियों वालों रल के मनाया जाता है। अज असी बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि साढ़े इलाके के महान शहीद कैप्टन के गौड़ का अज शहीदी दिन है, और सारे ही इलाके के साबका फौजी और नेकी फाउंडेशन की टीम, होर पतवंते सज्जन, इलाके के MLA साहब, इन्होंने आके इन्हों श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। असी अपने आप में इस चीज़ का बड़ा माण महसूस करते हैं कि साडे इलाके दे विच भी इस तरह के बहुत उच्चे सुचे शहीद हैं, जिन्हां दे सदका साडा देश होर तरक्की दे अगे वध्या। इन्हां शहीदां करके ही असी आज़ादी लई है। इन्ना ही करदा मैं अंत विच अपने वल्लों और सारी टीम वल्लों कैप्टन के गौड़ नूं फिर लास्ट ते सलूट कर दूं। जय हिंद। अज नेकी फाउंडेशन वालों शहीद कैप्टन के गौड़ का जो जन्मदिन मनाया गया, की कहना तुहाडा? 1971 की जंग के शहीद कैप्टन के गौड़ जी वालों अपनी कुरबानी दे के देश की रक्षा दे विच बहुत बड़बोला योगदान पाया गया है। अज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े दे उत्ते उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं नेकी फाउंडेशन द्वारा मना के याद किया जा रहा है, और पिछले 5 सालों तो नेकी फाउंडेशन उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं मना रही है, और उन्हां नूं याद करके एक फख्र महसूस करती है कि उन्हां नूं उन्हां दी शहीदी दिहाड़े नूं मनाउण दा जो याद करन दा मौका मिलिया, नेकी फाउंडेशन नूं मिलिया है, और उन्हां नूं याद करके एक समाज नूं, नौजवानों नूं यह दसना कि देश दे नूं कुरबान जो जिन्हां ने कुरबानी दी है, तो नौजवानों दे विच एक देश प्रति जज्बा पैदा करना है। सो उन्होंने अज इस शहीदी दिहाड़े उत्ते समर्पित नेकी फाउंडेशन वालों श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। हर साल की तरह कैप्टन के गौड़ का शहीदी दिहाड़ा इस जगह पर मनाया जाता है, जिथे कैप्टन के गौड़ की सदीवी यादगार बुत स्थापित किया गया। सो बुलाडा इस गल का माण है कि इतों का जंपल ने जरा 4 दिसंबर 1971 जंग दे विच अपनी जंबाजी अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने उत्थे शहीदी प्राप्त की। मेरा इस परिवार के नाल बहुत नेड़ा संबंध है, क्योंकि साडा घर इस गली दे अगे जाके टपदा सी। छोटे होंदे जदों असीं सरकारी स्कूल पढ़ते सी तां लगभग इसे गली राहीं असीं अपने घरां नूं आउंदे जांदे सीगे। इन्हां दे पिता जी गौड़ साहब टीचर सन, मैं मलसिंघ वाली सी, उह रामनगर भट्ठल सी। असीं इकट्ठी सैकल ते जांदे, इकट्ठी सैकल ते असीं अपने अपने स्कूलों के जाके इकट्ठी असी वापस आते गल्लां बातें करते। सो अज सारा परिवार उन्हां दा शहीद नूं नमन करन वास्ते असी सारे इत्थे खड़े हाँ। साढ़े फौजी साहब वीर ये भी स्पैशल तौर पर इत्थे आए ने। सो मैनूं इस गल का माण है कि बहुत घट लोगों इस गल का परिवार तक देखिया। मैं इन्हों निजी तौर पर भी इन्हों शकल देखी हुई है, जो कि पहले आते असी टपते निके निके होंगे सी, तो उदो घर बैठे भी असी इन्ह का मैं इन्हों देखे। सो अज असी इस शहीद को नमन करने वास्ते सारे नेकी फाउंडेशन का विशेष योगदान रहा है। इन्हों वालों शुरुआत वैसे तो परिवार ने आनी आना होंगे, पर नेकी फाउंडेशन ने पहल करके अज असी सारे ने इतने इकट्ठे हो के इन्हों याद किया है, श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। सो सारे आए हैं, जिन्हें भी आए हैं आजाद के उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिवार के नाल पहले भी खड़े हैं तो अज भी खड़े हैं, क्योंकि साढ़े अपना परिवार है। असी बहुत छोटे होंगे ही परिवारों के नाल हरी नेड़ता है। बहुत धन्यवाद जी सर।